वेलकम बैक टू द चैनल। आज डे टू है, हम लोग इंदौर में स्टे कर रहे हैं। अगर किसी ने व्लॉग वन नहीं देखा है तो आप पहले व्लॉग वन देख लें और फिर मतलब आपको कंटिन्यूशन में समझ में आ जाएगा। हम लोग पुणे टू कानपुर ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड एंड आज हम लोग इंदौर में स्टे कर रहे हैं। अभी ना 2 बज गए हैं, हम लोग लेट उठे थे एज यूजल बिकॉज कल हम ड्राइव कर रहे थे तो उसमें थक गए। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, हम लोग सयाजी में रुके हैं, सयाजी इंदौर में ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, हमने बहुत कुछ खाया और बहुत सारी वैरायटी भी अवेलेबल थी। आप चाहे नॉन वेज हो चाहे वेज हो, कॉन्टिनेंटल एंड ऑमलेट वगैरह जो अवेलेबल होता है वो तो था ही। तो उसके बाद हम लोग रूम पे आ गए, हम लोग फ्रेशन अप हुए, थोड़ी देर और सो गए। सो अभी प्लान क्या बनाया है, शिवम का एक फ्रेंड है वो यहीं इंदौर का है तो उसने सजेस्ट किए हमें कुछ प्लेसेस जो हम घूम सकते हैं। हम लोग ये डे ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखना चाहते क्योंकि कल सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, अराउंड 5 AM के आसपास हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हम लोग निकल जाएंगे और ताकि हम कानपुर टाइम से पहुंच जाएं कल। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आज हम 7 बजे तक होटल में वापस आ जाएं और हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं और इंदौर में वैसे ज़्यादा कुछ घूमने के लिए नहीं है, यहाँ पर खाने के लिए बहुत फेमस है इंदौर। तो इसलिए हम लोग अभी बस निकल रहे हैं, 2 बज चुके हैं। कैब बुक की है सयाजी से कृष्णपुरी मंदिर तक, हम लोग कैब में हैं और यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। अक्टूबर के मंथ में एज़ कम्पेयर टू पुणे में इतनी गर्मी नहीं होती बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हमें कानपुर का नहीं पता वहाँ पर कितनी गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर शवम बैठा है। यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट्स ना? हाँ, तो सयाजी से कृष्णपुरी मंदिर पहुँचने के 15 मिनट्स लगते हैं। जैसे ही हम लोग मंदिर पहुँचे, बाहर से मंदिर बहुत ही अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक मंदिर था। हम लोग ना लेट हो गए थे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, 2:30 बज चुका था हम लोगों, तो इसलिए यहाँ पे जो मंदिर था वो बंद हो गया था और प्लस वहाँ पे सफाई भी चल रही थी। तो किसी ने हमें वहाँ पे बताया कि आप रजवाड़ा पैलेस घूम सकते हो। तो रजवाड़ा पैलेस मंदिर के जस्ट सामने ये वाली लेन पड़ती है, एक छोटा सा मार्केट पड़ता है, आई थिंक इसे रजवाड़ा मार्केट ही बोला जाता है। तो इस मार्केट के एंड में जाके आपको रजवाड़ा पैलेस मिलता है, बट अगेन रजवाड़ा पैलेस में जो था रिनोवेशन चल रहा था तो वहाँ भी एंट्री अलाउड नहीं थी। फिर यहाँ से हमें मिला आकाश, शिवम का फ्रेंड। अहिल्या माता जी का पूरा साम्राज्य है यहाँ पे। अच्छा, इंदौर को एक बोला गया है कि तुमको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, पानी की, खाने की या कुछ भी, और कोई भी ऐसी आपदा जो बोलते ना नेचुरल क्लाइमेटी कुछ भी नहीं आएगा। ये माता जी का है, कभी आज तक इंदौर के अंदर भूकंप या ऐसा कुछ आया नहीं, कुछ आ नहीं सकती है। ये माता जी का है, ये अहिल्या माता का तुमने सुना ही होगा। तो ये उनका पैलेस है, अभी जो रेनोवेशन चल रहा है उसमें ये पैलेस उनका ही था। रजवाड़ा पैलेस कैंसिल होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लालबाग पैलेस जाएंगे। लालबाग पैलेस इज़ अ पैलेस विच इज़ बिल्ड बाय होलकर डायनेस्टी इन 19th century एंड होलकर डायनेस्टी इज़ वन ऑफ द पावरफुल मराठाज ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे भी हमें ऐसा लग रहा था शायद रेनोवेशन का काम चल रहा था एंड सम कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन हेयर ऑल्सो। एंड यहाँ पे अंदर जो है एक म्यूज़ियम है जो नेहरू जी का म्यूज़ियम है और वहाँ पे काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ पे अंदर उस म्यूज़ियम को देखने के लिए आपको टिकट चार्जेस देने पड़ते हैं, मे अराउंड 10 रुपीज़ पर हेड वहाँ पे टिकट चार्जेस थे। एंड अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, तो मैं अंदर से नहीं ले पाई लेकिन बाहर से देखने में काफ़ी सही था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना इंदौर की फेमस नमकीन ली जाए, तो हम लोग पहुँचे महेंद्र नमकीन वाले के यहाँ पे एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस नमकीन शॉप इन इंदौर। यहाँ से हमने अपने घर के लिए काफ़ी सारी डिफरेंट नमकीन जैसे लौंग, लहसुन, सेवई वो सब लिया। उसके बाद नमकीन होने के बाद एंड वी हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लोर सम स्वीट शॉप्स इन इंदौर। तो हमें आकाश ने सजेस्ट की भवरी लाल मिठाई वाला, ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब
पुरानी शॉप है सिंस 1945 एंड यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई की इनकी रस मलाई, मक्खन बड़ा एंड काफ़ी सारी हमने मिठाई खाई और घर के लिए भी हम लोगों ने मिठाई ली। एंड इसके बाद हम लोग गए वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट फूड मार्केट इन इंदौर विच इज़ 56 दुकान। यहाँ पे 56 दुकान है एक ही लेन में और उन दुकान पे ऐसे नंबर भी डले हुए हैं इसलिए उसे 56 दुकान कहा जाता है। यहाँ पे जाते ही सबसे पहले हम लोग ने ट्राई किया मधुरम स्वीट्स एंड नमकीन। मधुरम स्वीट्स एंड नमकीन का यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया खोबरा कचौरी। खोबरा कचौरी में क्या होता है कि एक कचौड़ी होती है जैसे नॉर्मल और उसके अंदर खोबरा भर खोबरे की फिलिंग होती है। इन लोगों की जो चटनी थी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है तो अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप एक ग्रीन वाली चटनी मत डलवाना, बट आई लाइक स्पाइस सो स्पाइसी थिंग्स। सो मैंने यहाँ पे ट्राई किया बट जैसे ही शिवम ने इसको ट्राई किया उसको स्पाइसी बिल्कुल नहीं पसंद है। शिवम बिल्कुल स्पाइसी खाना पसंद नहीं करता बट स्टिल पता नहीं उसको क्या मज़ा आ रहा था उसने फिर भी यहाँ पे ट्राई किया। हमने खोपरा बर्फ ये खाने के बाद हमने यहाँ पे सेम शॉप से हमने गोलगप्पे ट्राई किए। यहाँ भैया बहुत ज़्यादा फनी थे, इनके पास 8 से 9 डिफरेंट डिफरेंट पानी था एंड वन ऑफ माई फेवरेट पानी इज़ लेमन। लेमन का पानी था, मतलब बहुत टेस्टी इनके गोलगप्पे थे यहाँ पे। या तो इंदौर के पानी में ही कुछ ऐसी बात है कि यहाँ का खाना इतना फेमस है, स्ट्रीट फूड इतना फेमस है। वो खाने के बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन थे जैसे कि कॉर्न की खीस होती है, भुट्टे की खीस, बट हम लोगों का पेट भर चुका था तो यहाँ पे 56 दुकान के जस्ट सामने ये एक पान शॉप थी। ये बाहर से बड़ी टेम्पटिंग सी लग रही थी, मिलाप पान शॉप इसका नाम है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पान, सौंफ, सुपारी बहुत ही अलग अलग तरह के थे लेकिन हम लोगों को ट्राई करना था फायर पान। हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया था तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया फायर पान और सही में इसको खाने के बाद मुंह से जो धुआं निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा, लौंग का जो स्वाद होता है बहुत ज़्यादा आपके मुंह में आ जाता है। उसके बाद शिवम ने सेम चीज़ ट्राई की एंड दिस इज़ हाउ वी एंजॉयड the street food of Indore. If you like this video, don't forget to comment, like and subscribe to my channel. Thanks for watching my video.